हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हमें एक बहुत ही अजीबोगरीब ड्राइंग दी गई है और इस ड्राइंग में हम लोगों को इसकी लेंथ दी गई है, इसकी ब्रेथ दी गई है और इसकी हाइट डिफाइंड नहीं है। जब हम ड्राइंग बनाएंगे तभी वो ड्राइंग पता चले इसकी हाइट निकल कर आएगी। तो इसकी लेंथ 100 मिलीमीटर दी गई है और इसकी ब्रेथ 50 मिलीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रंट व्यू की लेंथ बता दी, इसकी हाइट डिसाइड नहीं की है। जब हम ड्राइंग बनाते जाएंगे तब देखते जाएंगे। तो हम ड्राइंग में देखें तो सबसे पहले हम लोगों को 50 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसकी पहले मार्किंग कर लेते हैं। 40 मिलीमीटर तो हम लोगों ने 40 मार्क किया और इसकी जो बॉक्स है ये इसका 150 है, तो हम लोग उसकी मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने ऐसे ही कुछ भी बना लिया है, हमें कुछ पता नहीं है इसका कितनी हाइट निकलेगी। तो अब जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो 75 का बनकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अगर 105 का है तो ये वाला एंगल 75 का बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पर एक 75 का एंगल बनाते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का बना। दोस्तों 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इस वाले एंगल को हम बाइसेक्ट करें तो 75 का बन जाएगा। दोस्तों ये वाली लाइन हमारी निकल कर आ गई। दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इनको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। दोस्तों जो ये वाला पॉइंट था, यहां से हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए उसी प्रकार से 60 डिग्री का बनाकर उसको हाफ करेंगे हम लोग। दोस्तों ये वाला एंगल हम लोगों ने 30 डिग्री का बना लिया है। अब हम लोगों को यहाँ से कॉर्नर से एक लेंथ दी गई है, दैट इज 60 मिलीमीटर। तो हम लोग को वही देखना है कि 60 मिलीमीटर कहाँ तक जा रही है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट हमारा 60 मिलीमीटर का आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर एक एंगल बनाना है, दैट इज 135। तो हम लोग को यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में 35 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और इसको इसको जब जॉइन करेंगे तब हमारा फ्रंट व्यू तैयार होगा। तो हम लोग को यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे पहले 60 120 उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे।
तो इसको कोण सीधे 90 डिग्री एंगल बनेगा। दोस्तों 90 डिग्री एंगल बना और जब इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 135 डिग्री बन जाएगा। दोस्तों जो 90 डिग्री एंगल को हम लोग बाइसेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू निकल कर आया। हम लोग इसकी बाकी सारी लाइनें इरेज कर देते हैं, जो कुछ हेल्पिंग लाइन्स हैं उनको सबको इरेज कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब हम इसका साइड व्यू बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हम इनकी लाइन की प्रोजेक्शंस ले लेंगे। अब इसके साइड व्यू और टॉप व्यू के बॉक्सेस हम लोगों ने बना लिए हैं। अब इसका साइड व्यू बना लेते हैं। दोस्तों साइड व्यू बनाने के लिए हम लोगों को इन सब लाइनों की प्रोजेक्शन लेनी होगी। तो इस लाइन की प्रोजेक्शन लेकर हमने साइड व्यू का बॉक्स बना लिया। इसमें ये लाइन है, ये सब ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग को ये मालूम है कि ये 30 और 20 के बीच में डिवाइड है, तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। इस प्रकार से 30 और 21 डिवाइड हो गया। तो दोस्तों हम लोग को मालूम है कि यहाँ से नीचे ये क्वार्टर 40 था, तो हम लोग ये 40 मिलीमीटर का निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से 40 का बना लिया। दोस्तों जो ये वाली लाइन थी इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ ले लेते हैं। दोस्तों ये एक्सेस लाइन हम लोग इरेज कर देते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वाली लाइन का एक पोजीशन यहाँ पर आएगा, तो पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। और एक विशेष बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये 40 वाली लाइन थी, ये वाली ये डॉटेड दिखाई देगी यहाँ पे, तो डॉटेड दिखा देते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमारा साइड व्यू तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। तो दोस्तों टॉप व्यू में उसी प्रकार से 30 और 20 में डिवाइड होगा, तो हम लोग निशान लगा लेते हैं। उसी बना लिया। दोस्तों ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसका पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों इस वाली लाइन का भी पोजीशन यहाँ पर आएगा, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों जो एक्सेस लाइन है वो हम लोग इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तैयार हो गया। अब हम लोग इसकी डायमेंशन कर देते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने डायमेंशन कर दी है, अब हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू की नेमिंग कर दी है। दोस्तों नेमिंग मैंने क्लियर की है, आप लोग सब सजा के कीजिएगा जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में लिखते हैं। दोस्तों एक बड़ी ही मुश्किल ड्राइंग थी, अमेजिंग ड्राइंग है, जिसमें इसकी हाइट नहीं दी गई थी और हम लोगों ने ड्राइंग बनाने के साथ साथ उसकी हाइट निकाली है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बना दिया है।